दोस्तों, बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी एक्शन मूवी के लिए जाने जाते हैं। उनकी हर मूवी में एक्शन भर भर कर देखने को मिलता है। फिलहाल वो अपनी अपकमिंग वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में बिजी हैं, जो जल्द ही अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दी जाएगी। अब इसी बीच उनकी मोस्ट अवेटेड मूवी गोलमाल 5 का अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, गोलमाल फ्रेंचाइज रोहित शेट्टी की काफी पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइज है, जिसके अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं और ये चारों ही पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। और अब मेकर्स ने इसके पार्ट 5 को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। हाल ही में रोहित शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें कॉमेडी मूवी पर काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है और वो जब तक मूवी की दुनिया में काम करेंगे तब तक वो गोलमाल जैसी कॉमेडी और फैमिली ड्रामा मूवी बनाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से गोलमाल फ्रेंचाइज के नेक्स्ट पार्ट गोलमाल 5 पर काम नहीं हो सका, लेकिन अब वो जल्दी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। सिंगर मूवी की रिलीज के बाद से वो अजय देवगन के साथ गोलमाल 5 पर काम शुरू कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे, कुछ समय पहले रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ सिंगम 3 की अनाउंसमेंट की थी, जो कि उनकी फेमस फ्रेंचाइज है और ये मूवी जल्दी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है। बात करें गोलमाल 5 की स्टार कास्ट की, तो इसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, संजय दत्त जैसे कई दिग्गज कलाकार कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार गोलमाल 5 की स्टोरी कुछ हटकर होने वाली है और साथ ही इस बार दर्शकों को कॉमेडी का डबल धमाका देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, गोलमाल 5 की फिलहाल कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन व्यूवर्स की माने तो जल्दी इस मूवी पर काम शुरू हो सकता है। इस बड़ी अपडेट के बाद से ही फैंस इस कॉमेडी फ्रेंचाइज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब गोलमाल 5 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।